हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट कॉफ़ी की रेसिपी। इस ठंडी के मौसम में आप एकदम मार्केट स्टाइल में कॉफ़ी घर पे तैयार कर सकते हैं, स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहले आपको चाहिए वो गर्म पानी। आप थोड़ा सा गर्म पानी कर लें छोटी सी कटोरी में, जितने आपको चाहिए। यहाँ पे हमने 10 रुपये वाला नेस्कैफ कॉफ़ी लिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी आप कॉफ़ी ले ले, 2 चम्मच आपको कॉफ़ी ले लेनी है। यहाँ पे एक पॉकेट में 2 चम्मच ही रहती है, तो हम यहाँ फ़िलहाल 2 चम्मच कॉफ़ी लिए हैं और 2 चम्मच ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पे बराबर क्वांटिटी हमें ऐड करनी है, जितना हम कॉफ़ी लेंगे उतना ही चीनी लेनी है और उतना ही हमें पानी लेनी है। यानी तीनों की जो क्वांटिटी है वो एकदम सेम होनी चाहिए, इसमें कोई कम या ज़्यादा ना रहे। तो आपको इस तरीके से तीनों सामग्री को बराबर क्वांटिटी में लेने के बाद इसे मिक्स करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अभी डार्क है, देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसे मिक्स करना है। तो इसे हमें मिक्स करना है एकदम ऐसी प्रोसेस में। थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं घर पे ही मार्केट वाले स्टाइल में कॉफ़ी पिए, स्वाद भी एकदम झागदार वाली कॉफ़ी, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसे हम कंटिन्यू इसी तरीके से मिक्स करेंगे 5 से 7 मिनट। यहाँ पे देखिए, हम आपको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम फेंट लें उसके बाद दिखाएं। तो यहाँ पे हम मिक्स करते हुए बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं इसकी कैसे जो है कलर चेंज हो रही है। एकदम से पहले ब्राउन डार्क था, अब धीरे धीरे आप इसकी कलर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें से निकाल लिए ताकि हम आपको दिखाएं ये पहले किस कलर की थी और अब ये किस कलर की हो गई है। तो ये देखिए, जैसे जैसे हमने मिक्स किया है 7 से 8 मिनट भी लग जाएंगे, 9 मिनट भी लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये देखिए एकदम से क्रीमी स्मूथ बन गई है, ये और भी झागदार बनेगी। इसे और 2 मिनट हम अगर मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए जो इसका जो पहले किस तरह का इसका कलर था, अब ये किस तरह का कलर हो गया इसका। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंट आ गया है और एकदम से क्रीमी बन गई है। तो इसे आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गरम दूध लेंगे करीब 2 कप और इसे हम हीट करेंगे अच्छे से। जब इसमें उबाल आ जाएगी तो फिर हम कॉफ़ी फटाफट से बना लेंगे। तो ये सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली कॉफ़ी है। जो भी आपको टाइम लगेगी वो जो कॉफ़ी को है वो मेल्ट करने में, उसे उसका पेस्ट तैयार करने में। तो यहाँ पे हमने 2 ग्लास ले लिया है जिसमें हमें कॉफ़ी सर्व करनी है। तो यहाँ पे हम इसमें जितना, अगर आपको कॉफ़ी पसंद हो, अगर कम थोड़ा इसका टेस्ट पसंद है तो आप कम डालें, ज़्यादा है तो ज़्यादा डालें। और इसमें हम 2-2 चम्मच फ़िलहाल डाल रहे हैं और इसमें हम चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा कम रहने दें, ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा डाल लें। और इसमें हम दूध डालेंगे अच्छे से और हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही झाग वाली कॉफ़ी है जो बनकर तैयार हो गई है। अभी और भी ज़्यादा इसमें झाग बनेगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा हम और जो भी कॉफ़ी का हमने पेस्ट तैयार किया है ऊपर से डाल देंगे ताकि और ये ज़्यादा टेस्टी लगे। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहे तो इसका ऊपर डिजाइन जो भी अच्छे आपको इसमें लुक चाहिए, डिजाइन चाहिए, वो आप इसमें दे सकते हैं। तो बाकी की जो पेस्ट है उसे हमें स्टोर करके रख लेंगे। यहाँ पे जो पॉकेट है उसमें आप लिक्विड जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा है उसे डालकर आप कोई भी शेप दे दे, स्माइल दे दे, फ्लावर्स दे दे। तो यहाँ पे हम कोई स्माइल फ्लावर्स लेंगे, थोड़ा सा हम सेंटर में डालेंगे और आप चम्मच की सहायता से या फिर कोई नाइफ हो, पतला सा स्टिक हो, उसके सहारे आप थोड़ा सा डिजाइन दे सकते हैं। तो इसमें भी बहुत प्यारा सा डिजाइन बन गया है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा इसमें डिजाइन बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए क्लोज करके हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कितने सारे झाग बने हुए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कप कॉफ़ी तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनी हुई है, झाग भी इसमें बहुत ही बेहतर है जिस तरह की मार्केट में हमें मिलती है। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको अच्छे से समझाएं और आपको अच्छा इसमें दिखा पाएँ।
तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप उसे पहले देख पाएँ, इंजॉय कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और आप हमें अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉच।